को दिखा रहा हूं इस वक्त मुरादाबाद में और राहुल गांधी आ चुके हैं और राहुल गांधी की यहां से पदयात्रा की कॉल की गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं माननीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो मुरादाबाद की बहू भी कही जाती हैं, वो इस वक्त अपने मुरादाबाद के क्षेत्र में यहां पर मौजूद हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपना लगातार यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश, लोगों से अभिनंदन कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें हमारे कैमरे में साफ देख सकते हैं, इस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार कर रहे हैं और लोगों का अभिनंदन हासिल कर रहे हैं और फूलों की बरसात यहाँ पर हो रही है। राहुल गांधी विचारों और प्रियंका गांधी यहाँ पर नोट लोगों के यहाँ पर मौजूद और लोग यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी की यहां से ये रैली निकल रही है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि और पब्लिक जो है बिल्कुल उनके साथ में चल रही है। नौजवान तादाद में है और मुसलमान की तादाद अगर मुरादाबाद में देखी जाए तो ज़्यादा है, और क्योंकि विधानसभा समाजवादी पार्टी लोकसभा विधानसभा जो है ज़्यादातर समाजवादी की पकड़ इस पर रहती है, और इस बीच अगर राहुल गांधी की रैली यहां पर होती है और समाजवादी के साथ में गठबंधन होता है तो इसके बाद समाजवादी और कांग्रेसी दोनों ही पार्टी के लोग कार्यकर्ता यहां पर भारी तादाद में नज़र आ रहे हैं। युवाओं की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लगातार युवा ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं। क्या लगता है जो इस रैली से कुछ फ़ायदा हो पाएगा? पूरा फायदा होगा, फायदा हो पाएगा। ये जो वोट जो लोग कह रहे थे कांग्रेस लुप्त हो गई है, उन्हें दिखलाई तो दे रहा है कि कांग्रेस की क्या कंडीशन है। ये भीड़ को जबरदस्ती तो आई नहीं। अच्छा हाँ, इससे पूरा फायदा होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 400 का पार इस बार हमारे 2024 में। बेईमानी का कोई इलाज नहीं साहब, कोई सूरत नहीं उनकी। बेईमानी किस तरीके की बेईमानी? वो साहब मैं बेईमानी यही है साहब, जो मशीनों में कराते हूँ। ईवीएम की बात कर रहे हैं? हाँ, ईवीएम की। तो ईवीएम में किस तरीके की? राहुल गांधी ने तो तीन राज्य हारने के बाद स्वीकार कर लिया था कि हमारी हार हुई। देखिए, जब रुपया ट्रांसफर अमेरिका का 5 मिनट में हो सकता तो मशीन में भी कुछ भी हो सकता। अच्छा हाँ, तो आप भी मानते हैं कि मशीनों में गड़बड़ है तो कैसे लेके चलेंगे? न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी तो। नहीं नहीं, देखिए सच्चाई की जीत होगी, ऊपर वाला भी तो कोई चीज़ है, सच्चाई की जीत होगी। अच्छा, तो लेकिन ईवीएम का रोना भी रो रहे हैं, दूसरी तरफ न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, और एक छोटी सी कंक्रीट बम को खत्म कर सकती है, ऊपर वाले की वो ताकत है। अच्छा जी, लेकिन क्या लगता है कि 2024 में बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। लेकिन आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं? नहीं, देखिए ऊपर वाले की भी कोई ताकत है। रावण के जमाने में मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे वहाँ। उस वक्त भी मतलब कहने का सत्ता परिवर्तन हुआ था जब ऊपर वाले का हुक्म हुआ था। लेकिन आप जैसे कि आपने अभी रावण का जिक्र किया तो राम का जिक्र भी करना जरूरी हो जाता है। अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बना दिया, वो तो सब राम तो सभी के हैं भाई, राम उनके अकेले हैं क्या बीजेपी वालों के? राम महापुरुष हैं, राम पुरुषोत्तम राम है, वो सबके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, समझे भाई? वो कब कह रहे हैं कि मतलब आप गड़बड़ करो, वो तो पुरुषोत्तम, उनका नाम ही पुरुषोत्तम राम था। तो राम के बारे में भी जिक्र यहाँ पर किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की रैली में लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और समाजवादी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। इस बीच मैंने थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर राहुल गांधी की रैली से यहाँ पर कितना बदलाव हो सकते हैं 2024 में, कमेंट करके बताइए।